हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि मैं भावनाओं में थोड़ा सा बह गया। आज हम बनाने वाले हैं सलमान खान को, और वो भी सिलौते में। कुछ लोग सिलौते बोलते हैं, कुछ लोग सिलाउट बोलते हैं, मतलब समझ में नहीं आता क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन फिर भी अब आप सिलौत भी बोल सकते हैं, सिलौटे भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में बहुत मतलब ट्रेंड है, बहुत लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो है मिसकंसेप्शन उनको दूर करते हुए आज हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे, और ये भी सीख जाएंगे, हमें ये भी पता लग जाएगा कि सिलौते होता क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलौट कुछ ऐसा दिखता है, और काफ़ी फेमस लोगों ने बनवाया भी है, और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, कमीशन वर्क भी आते हैं इसके। आज कैमलिन ब्रश पेन यूज़ करने वाला हूँ, और इसकी निब कुछ इस तरीके की दिखती है। और फ्रेंड्स, सिलाउट में मेनली हम शेडोज़ पे फोकस करते हैं। जितने भी शेडोज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे हम कवर करेंगे, और कहीं कहीं पर हम अपने मन से भी डालते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल जहाँ जहाँ शेडो फोटो में दिख रही है वहाँ वहाँ ही बनाया जाए। सबसे पहले आउटलाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आउटलाइन में मैं बिल्कुल भी फिल नहीं कर रहा हूँ, एकदम खाली खाली स्पेस छोड़ के। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो गई आउटलाइन में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो हम सिलवट बनाते समय सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं सिलवट शुरू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं मेनली पहले मोटी लाइन्स कवर कर रहा हूँ, और ये जो शेड्स हैं फ्रेंड्स, वो शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी डार्क आपको दिख रहे हैं, बस वो पार्ट कवर करना है। मेनली लाइट और शेडो को ही बनाया जाता है, लाइट मतलब वाइट और शेडो मतलब ब्लैक। तो इस तरीके से ही बनाया जाता है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ फेस के पार्ट को, और जहाँ जहाँ भी शेडो है वहाँ वहाँ मैं डार्क करते जा रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मेन चीज़ यही है कि शेडिंग नहीं होती है, और काफ़ी जल्दी बनता है, लेकिन आपको समझ अच्छी होनी चाहिए। जो शेडोज़ होती हैं वो शेप्स को काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करती हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको समझ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। साला मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, सर्कस का रिटायर्ड बंदर लग। तो इसलिए पैंट काफ़ी अच्छी दिख भी रही थी, और बनाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, और जिंदगी की सबसे बड़ी किक
इसी में है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।